वेलकम मिसलेनियस चैप्टर्स यानी चैप्टर के इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। यह जो हमने सीरीज शुरू की है यह थर्ड सीरीज है, उस सीरीज का यह थर्ड एपिसोड है। आप तो समझते हैं कि एग्जाम का क्वेश्चन है और इसमें आपका कॉन्सेप्ट चेक होगा। आरआरबी पीओ मेंस 11 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ 2016 उसी का ये क्वेश्चन है और मैं उसके सारे ही क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, मिसलेनियस के बाकी क्वेश्चंस को भी और 5-5 के सेट में। इस बार भी 5 डिफरेंट चैप्टर्स के ये क्वेश्चंस हैं। जो कंसेप्ट होता है किसी चैप्टर का वही तो मूल है, उससे बाहर कुछ नहीं होता। हाँ, उस कंसेप्ट को आपने समझा है या नहीं ये टेस्ट करने की पूरी कोशिश होती है एग्जाम बोर्ड के द्वारा। इस बार भी आप देखेंगे, आइए आपको मजा आएगा। पहला क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस से। ए मैन बाउट ए मोबाइल एंड ए लैपटॉप फॉर ₹78,000। ही सोल्ड द मोबाइल एट अ गेन ऑफ 25% एंड द लैपटॉप एट अ लॉस ऑफ 15%, thereby gaining 5% on the whole. Find the cost price of mobile. ये सवाल प्रॉफिट एंड लॉस का है लेकिन इसमें यूज होगा मेथड ऑफ एलिगेशन और इसलिए यह मेथड ऑफ एलिगेशन का भी क्वेश्चन हुआ। मेथड ऑफ एलिगेशन तो अपने आप में एक मेथड है, चैप्टर तो है नहीं, उसका इस्तेमाल तो परसेंटेज में होगा, रेशियो में होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में होगा, सिंपल इंटरेस्ट में होगा, ढेर सारे चैप्टर में होगा, तो इसमें भी होगा। एलिगेशन में होता क्या है, दो चीजें होती हैं, दोनों के रेट्स पता होनी चाहिए और दोनों को मिला दें तो जो ओवरऑल बनेगा उसका रेट पता होना चाहिए, है ना। इसमें मोबाइल एंड लैपटॉप ये दोनों के रेट्स प्रॉफिट और लॉस आर ऑल्सो द रेट्स गिवन, कंबाइनिंग टुगेदर ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस इज ऑल्सो गिवन। आराम से, आसानी से, बल्कि ये बेस्ट एग्जाम्पल है एलिगेशन का। आप देखिए ये जो पूरा का पूरा प्राइस है ₹78,000 ये क्या है, एक मोबाइल और दूसरा लैपटॉप दोनों का कुल मिला के प्राइस है। हमें चाहिए रेट्स 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 और दोनों को मिला के भी रेट्स रेट्स। मोबाइल को सेल करते हैं 25% प्रॉफिट होता है, ओके। लैपटॉप को सेल करने पर 15% लॉस होता है यानी -15 एंड ओवरऑल देयर इज अ गेन ऑफ 5%। बस इसके डिफरेंस को यहां लिखते, डिफरेंस इज 20 एंड डिफरेंस इज 20। याद रहे डिफरेंस लिख रहे हैं, -15 और 5 के बीच की दूरी 20 है और 25 एंड 5 के बीच का डिस्टेंस भी 20 है, 1:1। जितना प्राइस मोबाइल का उतना ही लैपटॉप का, कुल मिला के 78,000, 1:1, 2 मीन्स 78,000, 1 मीन्स व्हाट, 1 मीन्स व्हाट, दोनों मिला करके 2 है, 2 को यदि 78,000 बोलें तो 1 को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वन को क्या बोलेंगे, जो भी निकालना हो, हमें निकालना है मोबाइल, दोनों ही होगा 39,000 39,000। आंसर हमें मोबाइल निकालना था, उसका भी लैपटॉप का भी वही है 39,000। ये एक सिंपल एलिगेशन का एग्जांपल था, ये समझ में आ गया होगा, आगे बढ़े। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप में आप जानते हैं कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इफ अदर कंडीशंस आर द सेम। अदर कंडीशंस मींस इन जनरल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर समय समान नहीं है तो उसे समान बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, अगर किसी ने 3000 फोर मंथ्स के लिए किया तो 3000 × 4 यानी 12,000 फॉर वन मंथ होगा और किसी ने 5000 फॉर 2 मंथ्स के लिए किया तो 1 मंथ में 10,000 का कैपिटल इक्विवेलेंट होगा।
अब दोनों का टाइम सेम हो गया तो इसी रेशियो में उनका प्रॉफिट भी होगा और कैपिटल भी समान समय में इसी रेशियो में माना जाएगा। आइए पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 5:3 रेस्पेक्टिवली। आफ्टर 6 months फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस सी ज्वाइन देम। The respective ratio between the investments of B and C was 2:3. If the annual profit earned by them was ₹12,300, what was the difference between B's share and C's share in the profit? ये भी एक simple example है, लेकिन इसके बावजूद जो ratio से, जो partnership से वास्तव में परिचित नहीं है कॉन्सेप्ट की दृष्टि से, ऊपरी तौर पर जिन्होंने बनाया है उन्हें दिक्कत होगी। मैं बार बार कहता हूं कौन सा लेवल इंक्रीज हो रहा है भाई, आप लोग बार बार कमेंट करते हैं क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज हो रहा है। जरा 15-20 साल पहले का क्वेश्चन देख लीजिए, वो क्या इससे आसान था? ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे क्या आसान और क्या हार्ड, कॉन्सेप्ट के बाहर कुछ भी नहीं होता। कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस लाइन के अलावा तो कुछ है ही नहीं। पार्टनरशिप में समय समान नहीं होता है, बना देते हैं, इसके बाद क्या बचता है बताइए। यहां पर आइए बात करते हैं। ए बी सी तीन है, उनके कैपिटल के रेशियो के बारे में चर्चा है, तो पहले एक स्केल पर ले आइए ना। नहीं समझे? सबसे पहले तो पहली बात तो यह है कि ए और बी के कैपिटल का रेशियो 5:3 है और बी और सी के कैपिटल का रेशियो 2:3 है। इसे 1 स्केल पर लाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 स्केल पर लाइए। 3 और 2 कैल्शियम क्या होता है? 6। इन्हें 6 बनाएंगे। ये 6 कैसे बनेगा? जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जब भी करेंगे तो रेशियो के दोनों टर्म को करेंगे, इसलिए हमने दोनों को 2 से किया। इसे भी 6 बनाएंगे। ये 6 कब बनेगा? जब इसको 3 से करेंगे, लेकिन ये रेशियो के दोनों टर्म को ही हम लोग कर सकते हैं, एक को नहीं, इसलिए दोनों और 3 से मल्टीप्लाई किया। बस 10:6:9 इज रेशियो। एक स्केल पर उनके कैपिटल का रेशियो यही है 10:6:9। समय समान होता तो इसी रेशियो में ना हो जाता, तो समय समान नहीं है। ये तो आप समझ गए कैसे आए। अब हम लोग इसको मिटा के साफ साफ लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं क्योंकि यहां पर जगह नहीं होगी। समझ गए? हम लोग लिखते हैं ए, यहां लिखते हैं बी, यहां लिखते हैं सी, और इनके कैपिटल के रेशियो हैं 10, 6 और 9। इस समझ गए? इसी रेशियो में उनके कैपिटल्स हैं, हमने निकाल लिया। इसी रेशियो में उनके कैपिटल्स हैं, ठीक। अगर समय समान होता, इंटरवल ऑफ टाइम सेम होता, तो फिर इसी रेशियो में कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन होता। लेकिन बिजनेस तो ए और बी ने शुरू किया, सी ने तो नहीं किया, और बिजनेस शुरू होने के 6 months के बाद वो आता है और बिजनेस कुल मिला के 1 year तक चलता है, 12 months चलता है। इसका मतलब ए और बी के कैपिटल्स 12 मंथ्स के लिए रहे, लेकिन सी का तो 6 मंथ ही रहा ना। जब कई मंथ्स होते हैं तो 1 month बनाते हैं, कई इयर्स होते हैं तो 1 year बनाते हैं। ए का कैपिटल 12 मंथ्स के लिए है, 10 यूनिट्स, तो 1 month में वो इस कैपिटल के बराबर होगा, तभी उसको वो प्रॉफिट मिलेगा। ये भी 1 month में इसके बराबर होगा, तभी वो प्रॉफिट मिलेगा, और ये तो 6 months के बाद आया है ना, तो ये 1 month में ये हुआ। समान समयांतरालों में यही कैपिटल का रेशियो बनता है, यही होगा। इसको कैंसिल कीजिए। देखिए 20:12:9 यही इनके प्रॉफिट का रेशियो भी होगा। समान समयांतरालों में कैपिटल का ये रेशियो है, यही प्रॉफिट का रेशियो भी होगा। ए को यदि 20 रुपीज मिलेगा प्रॉफिट, तो बी को 12, तो सी को 9, तो टोटल कितना मिलेगा? 41। टोटल क्या होगा? टोटल मैंने ए बी सी तीनों का प्रॉफिट कितना होगा? इतना और
डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी, बी एंड सी के बीच के प्रॉफिट का डिफरेंस क्या है? 3। बी और सी के बीच जो डिफरेंस है ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि टोटल प्रॉफिट दिया है और बी और सी के प्रॉफिट का डिफरेंस पूछा है। टोटल प्रॉफिट कितना है, देखिए 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 कितना है, कितना है, कितना है, यह है रुपीज 12,300। देखिए इससे 300 टाइम्स कटता है कि नहीं, 41 जा होता है कि नहीं 123। इसीलिए 3 का मतलब क्या हुआ, ये भी 300 टाइम्स हुआ, यानी कि 900 रुपीज आंसर, 900 रुपीज आंसर। टोटल प्रॉफिट इज गिवन 12,300, 41 टोटल हुआ, 20, 12 एंड 9 इसको ऐड कीजिए 41, 41 होने पर ये प्रॉफिट होता, 41 इंटू 300 होने पर 3 इंटू भी 300 होगा। इनके वैल्यूज भी निकालने होते तो इंटू 300 इंटू 300 इंटू 300 करते। समझ में आ गया, ठीक है। ये हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन था। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में आइए, जो कि एवरेज का सवाल है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, आइए। द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स, द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स वेयर फाउंड टू बी 40। लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट ए स्कोर ऑफ 53 वॉज मिसरीड एज 83। फाइंड द करेक्ट एवरेज करेस्पॉन्डिंग टू करेक्ट स्कोर। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टोटल मार्क्स निकाल लेते हैं, टोटल स्कोर निकाल लेते हैं, जो एवरेज दिया है 40 into 100। 40 तो डाटा सीधा ही है, मल्टीप्लाई भी कर ले सकते हैं, लेकिन मैं जैसे कह रहा हूँ उसमें पेन पेपर की जरूरत ही नहीं है। देखिए 100 स्टूडेंट्स हैं और उनके स्कोर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया तो 40 हुआ, ठीक है। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, 40 हुआ, ठीक है, सबको बराबर बांटा तो 40, किसी का 50 होगा, किसी का 30 होगा, ATC। अचानक देखे कि अरे ये तो मैंने, जरा देखिए ये तो मैंने 80 लिख दिया है, ये था 100, तो गलत हो गया, 80 रख के मैंने बांट दिया 100 लोगों में, होना तो 100 चाहिए था, 20 और होना चाहिए था, 20 को दे देते हैं ताकि सही हो जाए, और 100 में तो 0.2 दे देते हैं तो 40.2 बोलते, और यही 20 कम होता तो 0.2 ले लेते, तो 40 - 0.2 39.8 होता। ये तो मैंने दूसरे डाटा को लेके बात किया, मतलब समझ में आया, 80 गलत है हटाइए -80, 100 सही है डालिए +100, तो नेट रिजल्ट क्या क्या आया +20, यानी जो गलत है हटाइए, जो सही है डालिए। समझ में आ गया, 53 was misread as 83, 83 was wrong, हटाइए, right is 53 डालिए, net result is -30, माइनस मतलब सबों का घटेगा, दोनों ही हालत में सबों में बराबर बराबर बांट के, यानी 40 ना होके 39.7 होगा आंसर। कुल मिला के 30 हमने ज्यादा ले लिया था, गलत बात है, सभी 100 लोग 30 को बांटिए, 0.33 30-30 पैसा वापस कीजिए, 40-40 क्यों रखे हुए हैं, 39.7 रखिए आंसर। एक सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये टाइम इन वर्क का है। ए ग्रुप ऑफ 30 मेन वर्किंग 4 आवर्स अ डे कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। Find the number of days in which another group of 45 men working 8 hours per day can do twice the work. Assume that 2 men of the first group do as much work in 2 hours as 4 men of the second group do in 1 hour. बहुत आसान सवाल है, लेकिन time and work का पूरा knowledge होना चाहिए। अगर आप वो पूरा वीडियो सीरीज देखे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने 2-3 तरीके से चर्चा की थी टाइम एंड वर्क में। एक था आँख मूंद के बनाइए बिना कुछ दिमाग लगाए हुए, वो मेथड यहाँ बेस्ट है, उसमें एफिशिएंसी है, मेन स्ट्रेंथ है, रेट है, डेज है, वर्क है।
ए ग्रुप ऑफ 30 मेन, ओके 30 मेन, 30 मेन वर्किंग 4 आवर्स अ डे, ओके 4 आवर्स अ डे, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, ओके 10 डेज, फाइंड द नंबर ऑफ डेज, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच अनदर ग्रुप ऑफ 45 मेन, 45 मेन वर्किंग 8 आवर्स अ डे, वर्किंग 8 आवर्स अ डे, कैन डू ट्वाइस द वर्क, ट्वाइस द वर्क. अब दोनों के मेन समान रूप से इफिशियंट नहीं है, इफिशियंसी अलग अलग है. इफिशियंसी को किस रूप में डिफाइन करते हैं? मान लीजिए एक मैन है, एक बॉय है, एकदम समझ में साफ साफ आए इसलिए. एक मैन, इसको फर्स्ट टाइप का पर्सन बोले और बॉय सेकंड टाइप का पर्सन बोले, मैन इज मोर इफिशियंट, पता है. एक मैन को किसी काम को करने में 1 डे लगता है और बॉय को 2 डेज लगता है, तो नंबर ऑफ डेज का रेशियो क्या हुआ? 1:2 और इफिशियंसी 2:1. मैन डबल इफिशियंट हुआ ना, तो जो टाइम लगता है उसका इनवर्स होता है इफिशियंसी. मैन इज डबल इफिशियंट देन दैट ऑफ बॉयज. दूसरी बात है नंबर. इस काम को करने के लिए एक मैन चाहिए, इस काम को करने के लिए बॉयज 2 चाहिए, तो जो स्ट्रेंथ की संख्या है वो 1:2 है, इफिशियंसी उल्टा है 2:1. अगर किसी काम को करने के लिए उस तरफ का 2 व्यक्ति चाहिए, 1 के बदले 2, इसका मतलब इफिशियंसी आधा है, यानी उधर से 1:2. दोनों में से जो चाहे ले लीजिए. फर्स्ट ग्रुप का सब कुछ यहां लिख रहे हैं, सेकंड का यहां लिख रहे हैं, फर्स्ट की इफिशियंसी यहां, सेकंड की यहां. तो फर्स्ट वाला क्या कहता है? 2 मेन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप डू एज मच वर्क इन 2 आवर्स. तो उस व्यक्ति को बोले 2 आदमी करता है 2 घंटे में, अरे 1 आदमी कीजिए तो 4 घंटा लगेगा. यानी उधर का 2 व्यक्ति किसी काम को 4 घंटे में करता है, उसका 1 आदमी करे तो 4 घंटा, 2 घंटे में करता है 2 व्यक्ति 2 घंटे में करता है तो 1 व्यक्ति 4 घंटे में करेगा. तो पहले वाले ग्रुप का 1 व्यक्ति 4 आवर्स में काम कर सकता है, टाइम मालूम हुआ. एंड 4 मैन ऑफ द सेकेंड ग्रुप डू इन 1 आवर. 4 मैन सेकेंड ग्रुप का, 4 मैन 1 आवर बोले, 1 मैन वो भी 4 आवर्स. दोनों सेम है, इफिशियंसी सेम है, मीनिंगलेस, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम है. इसलिए इफिशियंसी का यहां कोई महत्व नहीं हुआ, लेकिन समझना पड़ेगा ना कैसे महत्व नहीं हुआ. ये हुआ, हम लोग इसमें बोलते हैं वर्क को बदल लीजिए, दैट मस्ट बी चेंज एंड कैंसल. तो हम लोग क्या करेंगे? वर्क को बदल देंगे, ऑलवेज बदलते हैं. आप उस चैप्टर एक बार देख लीजिएगा. तो ये क्या हुआ? 2 ऊपर चला गया, 1 नीचे, एंड कैंसल. जो आया आंसर, 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 आंसर. ये सॉल्व करने का मेथड है, बहुत सुंदर मेथड है. 4 × 2 = 8 बोले, 15 से काटा, 2 times 3 times. इसके बाद देखिए कुछ नहीं बचा, 20/3, 20/3 यानी 6 × 2/3 days आंसर. मेथड को बढ़िया से समझने के लिए आप टाइम और वर्क वाला देख लीजिएगा. 6 × 2/3, जो 3 तरीके बताए गए हैं उसमें से एक तरीका ये है, ये बेस्ट वे है, यहां पर ये बेस्ट है. ठीक है, समझ गए? टाइम एंड वर्क में मैंने डिटेल बात की है, इसलिए चैप्टर को ठीक से समझना जरूरी है. जिनको भी समझ में आ रहा ठीक है, नहीं आ रहा उस चैप्टर को बढ़िया से देखिए. उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ये 5th question जो मैंने लिया है. पहले पढ़ता हूं. मनीष बोरोड सम मनी एट द रेट ऑफ 7% पर एनम फॉर द फर्स्ट 3 years, 9% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 6 years एंड 10% पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड 9 years. इफ द रेट, इफ द टोटल इंटरेस्ट पेड बाय हिम एट द एंड ऑफ 15 years इज ₹4,050, हाउ मच मनी डिड ही बोरो इफ सिंपल इंटरेस्ट इज रेकन्ड. हो सकता है कि नहीं, नहीं को क्वेश्चन समझ में ना आया हो, मैं बता दूंगा, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर में देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है. देखिए जो इसको बनाना है, ठीक है मैं समझाता हूं, लेकिन बनाना है तो बोलना है 21% मिलेगा 9 × 6, 54% मिलेगा और 9 हो गया 1060 मिलेगा, यानी कि 135% मिलेगा, एंड दैट इज रुपीज 4050
तो व्हाट इज 100%? ये 30 टाइम्स कटता है, ये भी 30 टाइम्स, 3000 रुपीज आंसर। दिस इज द आंसर। अगर सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर पढ़े हैं तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी, मैंने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। लेकिन मैं समझाता हूं, इधर आइए। ये क्वेश्चन क्या है देखिए, ये बनाया हुआ है 0, 3, 9 एंड मोर देन 9। किसी ने 15 इयर्स तक जमा किया। देखिए ये रेट है, पहले जगह पर जो रेट है वो है 7% पर एनम, दूसरे जगह पर 9% पर एनम और ये 10% पर एनम। देखिए लिखे देता हूं, देखिए, और 15 इयर्स तक किसी ने डिपॉजिट किया। देखिए बैंक या वो व्यक्ति ऐसा कहता है कि फर्स्ट 3 इयर्स तक वो इंस्टीट्यूशन 7% पर एनम का रेट देगा, उसके बाद का 6 इयर्स तक 9% का रेट देगा। 6, 3, 9 इयर्स हो गया, 9 इयर्स के बाद आपका रहेगा तो 10% का रेट देंगे, ये कहता है। एक व्यक्ति ने 15 इयर्स तक जमा किया, तो 3 इयर्स यहां रहा, 6 यहां रहा, 9 हुआ, और 9 के बाद 6 यहां रहा, ठीक है। 3 इयर्स में 7 के रेट से क्या 21% नहीं मिलेगा? 6% हर साल के हिसाब से 6 साल में 54% नहीं मिलेगा? 10% के पर एनम के हिसाब से 6 इयर्स में क्या 60% नहीं मिलेगा? टोटल ऐड कीजिए तो 135% हुआ कि नहीं, और जो मिला है वो 4050 है। 135% इज इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इज दिस, ये टोटल इंटरेस्ट हुआ और ये हमारा प्रिंसिपल हुआ, प्रिंसिपल इज व्हाट 3000 आंसर। बोलिए आपको समझ में आया या नहीं? मिसलेनियस क्वेश्चन जो चैप्टर से आते हैं उनकी विशेषता है, क्योंकि वो चैप्टर्स का निचोड़ होते हैं। जो लोग चैप्टर्स बढ़िया से पढ़ चुके हैं उन्हें इसमें बहुत मजा आएगा, जो ठीक से नहीं पढ़े हैं उन्हें भी समझ में आएगा, लेकिन ज्यादा क्लियर होने के लिए उस चैप्टर के बाकी क्वेश्चंस को बढ़िया से देख लीजिएगा। हम लोग ये सिलसिला जारी रखेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाल के दिनों में जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं मैं उन सबको सॉल्व करूंगा, ये दिखाऊंगा कि डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया है, ऐसा कोई चीज नहीं है, सब कुछ वही है। कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो तुरंत क्वेश्चन बनेगा। ऑल द बेस्ट।